इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मेहमानों के लिए भी हर रोज अलग अलग तरह के पकवान तैयार किए जा रहे हैं। मेहमानों के लिए इंडियन और साउथ इंडियन पकवानों को तैयार किया जा रहा है। वहीं आज देश की राष्ट्रपति के लिए भी कई तरीके के पकवान तैयार किए गए हैं। राष्ट्रपति जी के लिए सर अपना इंडियन और साउथ इंडियन दोनों खाना परोसा गया, उनके लिए बहुत अच्छे से व्यंजन पर गए हैं। अपना उनके लिए जोधपुरी कचौरी है, साबुदाना बड़ा रखा गया, उनके जो हरी चटनी और ग्रीन चटनी चटनी अपना पुदीना और ग्रीन धनिया से चटनी बनाई हुई है, उसके लिए चटनी अच्छी बनाई गई है। रामचक्र बड़ा है उनके लिए, चिकन पनीर चटनार है जो कि अपना साउथ इंडियन डिश है, पनीर और साउथ इंडियन मसालों से बनाई गई डिश अपने डिश है। 8-10-15 डिश हो गए जी सर। राज्य सर प्रवासी उनके लिए बहुत अच्छा अपना इंडियन और साउथ इंडियन दोनों डिश रखी गई हैं कि हमारे मेहमान हुए मेहमानों को कोई वो ना हो, और उनके लिए अच्छी व्यंजन अपना मालवार इंदौर और साउथ इंडियन और इंडियन पूरा जो उनका मिश्रण है, हम लोग उनके लिए बहुत अच्छा खाना बना है। बता दें कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हर दिन मेहमानों को अलग अलग व्यंजनों का स्वाद चखाया जा रहा है। इन व्यंजनों में मालवा की मिठास भी है तो इंदौर का चटपटा स्वाद भी है। इंदौर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।